जय हिंद दोस्तों। दो स्मॉल कैप फार्मा कंपनियों के बारे में स्टडी करेंगे एंड फंडामेंटली भी चेक करेंगे और टेक्निकली भी चेक करेंगे कि दोनों स्टॉक कितने बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जिसके बारे में स्टडी करने वाले वो है शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड। स्मॉल कैप का स्टॉक है, 448 नंबर पे रैंक करता है। फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। मार्केट कैप 5400 करोड़ के आसपास, स्टॉक की पी 36, 52 वीक लो 312 रुपये, 52 वीक हाई 695। क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर है एंड यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें चेक क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो इतने सारे नंबर्स को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये सारे जो नंबर है सबसे पहले करोड्स में है एंड तो सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे सभी चीज़ों को। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पर हमें ध्यान देना है वो मैं चेक करने गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, ये चार चीज़। एंड हम पिछले चार क्वार्टर के जो डाटा है उसको कंपेयर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ। जून 2020 में था 65 करोड़, सितंबर में आया उछाल 68 करोड़ का, दिसंबर में आया आई भारी गिरावट। देखिए 68 करोड़ का नंबर हो गया 20 करोड़ एंड मार्च में फिर से थोड़ी रिकवरी देखने मिल रही है, अराउंड 26 करोड़ के आसपास का नंबर है, 25.84। आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 115 करोड़ था जून में, 61 करोड़ हो गया सितंबर में, भारी गिरावट 11 करोड़ रह गया सिर्फ दिसंबर में एंड यहाँ पे और गिरावट गहरी हुई 8.4 करोड़। सो हर क्वार्टर में नंबर यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट 86 करोड़ जून में, फिर ऑलमोस्ट नंबर आधा हो गया 45 करोड़ सितंबर में, और गिरावट 7.67 दिसंबर में एंड मार्च 2021 में 7.83 करोड़ का नंबर। लास्ट EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, जून 2020 में अराउंड 10.5, फिर ऑलमोस्ट EPS हो गया आधा 5.57, फिर EPS पहुंच गई 1 के भी नीचे दिसंबर में 0.94, नबी हल्का सा उछाल 0.02 का 1 के आसपास की EPS 0.96। सो देखने क्या मिल रहा है हमें फंडामेंटली यहाँ पे नंबर्स में कि मार्च 2021 के जो नंबर है पिछले तीनों क्वार्टर्स के मुकाबले ऑलमोस्ट सबसे वीकेस्ट है। अब जाएंगे बैलेंस शीट में, हमें यहाँ देखना है क्या बोरोइंग्स एंड एसेट्स। सो बोरोइंग्स कितना है कंपनी के पास, 724 करोड़, पिछले साल तकरीबन 390 करोड़ था, इस साल बढ़ के 724 करोड़ हो गया है, नेगेटिव बात है ये। नेक्स्ट एंड यहाँ पे ये पॉजिटिव बात देख लीजिए, 2000 करोड़ के एसेट्स थे वो बढ़ के अभी 2638 करोड़ हो गए। सो जो कर्ज का जो पैरामीटर है वो यहाँ पे मतलब इतना कोई मायने नहीं रखता क्योंकि एसेट्स जो है कंपनी के पास तगड़े है, दैट इज अराउंड 2600 करोड़ के आसपास। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए वो भी मजबूत है, प्रमोटर्स 53.25% की होल्डिंग, विदेशी संस्था है 14.56%, घरेलू संस्था है 3.52% और पब्लिक के पास 28.68% की होल्डिंग। सो अगर हम 20 सेकंड्स में क्विक समरी लेंगे मतलब सारे फंडामेंटल्स का तो क्या देख समझने मिलता है, तकरीबन 5400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। जून सितंबर दिसंबर क्वार्टर के नंबर बढ़िया थे बट मार्च में नंबर जो है थोड़े से मतलब थोड़ा सा डामाडोल नहीं मतलब ऑलमोस्ट नंबर नेगेटिव हो गया एंड ऑलमोस्ट वीकेस्ट है, सबसे कमजोर नंबर है पिछले चारों क्वार्टर के। कर्ज की बात करें पिछले साल 400 करोड़ था, इस साल 700 करोड़ के भी ऊपर चला गया है, ये नेगेटिव बात है। बट पॉजिटिव बात सामने क्या है, पिछले साल 2000 करोड़ के कर्ज थे जो अभी 2600 करोड़ के पार चले गए हैं, ये भी पॉजिटिव बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूत देखिए, प्रमोटर्स 53% के आसपास, विदेशी संस्था है 14.5%, घरेलू संस्था है ऑलमोस्ट 3.5% और पब्लिक के पास 28.68% की होल्डिंग। नेक्स्ट अभी हम जाएंगे चार्ट पैटर्न्स पे स्टडी करेंगे शिल्पा मेडिकेयर के स्टॉक के बारे में। ये तकरीबन 6 महीने का चार्ट है एंड यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है ये पिछले साल स्टॉक इस एरिया के आसपास रेजिस्ट कर रहा था, फिर यहाँ पर स्टॉक का हो गया बड़ा वाला ब्रेकआउट। यस स्टॉक का बड़ा वाला ब्रेकआउट हो गया एंड स्टॉक चला गया एक अलग रेंज में। अब यहाँ पर अलग रेंज में जाने के बाद स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने देखिए किया ये लोअर एंड का ये देखिए स्टॉक का ट्रेंड एंड साथ ही स्टॉक जो ऊपर की तरफ है ना देख लीजिए, एक ही चैनल में ऊपर की तरफ जा रहा है। जी हाँ, एक ही चैनल में ऊपर की तरफ निकल रहा है, कोई बदलाव नहीं, धीरे धीरे करके ऊपर ही निकल रहा है एंड साथ ही स्टॉक ने अंदर भी यहाँ पे अपने कर्व पैटर्न जो है उसको कर दिया कंप्लीट, देख लीजिए। ओके नाउ अब स्टॉक क्या कर रहा है उस पर ध्यान देंगे हम, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है इन द कमिंग डेज ऊपर और नीचे दोनों की तरफ। तो अगर बात करें ऊपर की तरफ यानी कि रेजिस्टेंस की बात करें तो पिछला सेशन यानी कि 20 जुलाई जो है अब तक इस मतलब ये जो रनअप था उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग है एंड यहाँ पर आज के सेशन में गिरावट देखने मिल रही है। सो यहाँ पे क्लोजिंग का हाईएस्ट लेवल क्या था, 661.75, उसको हाईलाइट करने के लिए एक बेसिक लाइन 661.75 के लिए लेवल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 661.75। अब इसके ऊपर स्टॉक का बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले दिनों में, तेज़ी की बात कर रहे हैं हम, अगर तेज़ी में लौटना है तो तेज़ी बननी है तो 661.75। एंड
अगर इसके ऊपर स्टॉक निकल गया तो किस रेंज में स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है? स्टॉक चले जाएगा आराम से 690-725 इस रेंज के अंदर। इसे आप दो स्टॉप्स भी कह सकते हैं, दो टारगेट भी कह सकते हैं, या फिर दो रुकावट के लेवल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, जो लोग एक दिन, दो दिन, तीन चार दिन के लिए पोजीशन बनाते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, इस लेवल को तोड़ दे तो पोजीशन छोड़ देनी है, एंड वो तकरीबन यहाँ से 18 रुपये ऊपर है, सो 643 के आसपास काम कर रहा है, 625 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। इसको तोड़ देता है तो गिरावट बढ़ सकती है। नेक्स्ट, जो लंबी अवधि के लिए निवेश करने में मानते हैं, गिरावट की राह देखते हैं, 590-530 इस रेंज में स्टॉक मिले तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको लगानी है, या फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट, या फिर वन थर्ड, मतलब पैसे लगाने, आधे पैसे लगाने, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से आपको जितने भी पैसे लगाने हैं इस रेंज में आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और उसके पहले एक अपडेट, और अपडेट है ये, अगर आप डीमैट कॉम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट fivepaisa.com के साथ ओपन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग है वो बिल्कुल ही फ्री है, और जो ब्रोकरेज है वो है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, एंड आपका अकाउंट जब सक्सेसफुली ओपन हो जाता है, ओके, KYC कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ ओपन हो जाता है, तो आपको जो ब्रोकर है यानी कि fivepaisa.com खुद आपके अकाउंट में 250 रुपीज़ क्रेडिट करेंगे, और उस पैसे से आप आपकी पसंद के जो भी शेयर आपको खरीदने हैं 250 रुपये के आप खरीद सकते हैं। एंड पहले महीने के लिए जो ब्रोकरेज आपको पे करनी है वो है 0 रुपीज़ पर ऑर्डर, एंड आफ्टर दैट इट इज़ 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। एंड ये ऑफ़र ब्रोकर की तरफ से है, ये ऑफ़र कब बंद हो जाएगा किसी को पता नहीं है, वेबसाइट पर भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। साथ ही अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में fivepaisa.com का हमारा रेफरल लिंक है, वो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करना चाहे अगर तो आप कर सकते हैं, इससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में बात करेंगे वो है आरती ड्रग्स। यस, स्मॉल कैप का स्टॉक है, 407 नंबर पर रैंक करता है। फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, मार्केट कैप 6600 करोड़, स्टॉक की पी 25, 52 वीक लो 358 और 52 वीक हाई 1027। क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर है एंड हमें पता है हमें चेक क्या करना है, तो क्विकली जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले चारों क्वार्टर्स का चेक करेंगे, जून में था 116 करोड़, सितंबर में गिरावट 109, एंड दिसंबर में फिर से गिरावट 98, एंड मार्च में फिर से गिरावट 78। हर क्वार्टर में नंबर गिर रहा है, एंड पिछले चारों क्वार्टर का सबसे वीकेस्ट नंबर मार्च 2021 में सामने आया है। नेक्स्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जून में 99, फिर सितंबर में 90, फिर से गिरावट 85 दिसंबर में, एंड और गिरावट 63 मार्च 2021 में। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट जून में 73, सितंबर में 70, फिर 65 दिसंबर में, और 50 मार्च में। हर क्वार्टर में गिरावट का ट्रेंड कंटिन्यू। फिर लास्ट EPS, अराउंड 7.84 जून में, 7.49 सितंबर में, 6.94 दिसंबर में, और 5.39 मार्च 2021 में। सो हर क्वार्टर में जो नंबर्स है कंपनी के, मतलब वीक होते जा रहे हैं, और मार्च 2021 में अब तक के वीकेस्ट नंबर पिछले चारों क्वार्टर के कंपनी ने पोस्ट किए हैं। बैलेंस शीट यहाँ पे हमें देखनी है, बोरोइंग्स कर्ज कितना है 290 करोड़। सो पिछले साल 378 था, अभी 290 हो गया, सो ये पॉजिटिव बात। सो तकरीबन 88 करोड़ का कर्ज कम हो गया। प्लस और एक पॉजिटिव बात देखिए, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, पिछले साल 1470 थे, इस साल बढ़ गए हैं तकरीबन, आप देख सकते हैं 100-150 करोड़ के आसपास के एसेट्स बढ़ गए हैं, ये भी पॉजिटिव बात। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स यहाँ पे भी पॉजिटिव बात देखने मिल रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़िया है 60.14%, विदेशी संस्था है 2.5%, घरेलू संस्था है 2%, और पब्लिक के पास अराउंड 35.29%। सो अगर हम 20 सेकेंड्स का एक क्विक रिविजन लेंगे नंबर्स का, तो क्या समझ में आ रहा है, 6600 करोड़ का मार्केट कैप है। प्लस नंबर्स की बात करें तो पिछले चारों क्वार्टर के सबसे वीकेस्ट नंबर मार्च 2021 में कंपनी ने पोस्ट किए हैं, ये क्लियरली नंबर्स में देखने मिल रहा है। कर्ज की बात करें, कर्ज जो है पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने कम किया है, वो यहाँ क्लियरली देखने मिल रहा है। एसेट्स भी 1470 करोड़ के थे, अभी वो 1637, मतलब 150 करोड़ की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मजबूत, प्रमोटर्स के पास 60% है, पब्लिक के पास 35% है, एंड बाकी की कुछ होल्डिंग विदेशी संस्था और घरेलू संस्थाओं के हाथ में है। और ये है आरती ड्रग्स की पिछली स्टडी जो हमने की थी, एंड यहाँ पे आपको क्लियरली देखने मिल रहा है 738 के आसपास स्टॉक स्ट्रगल करा था पिछली बार, एंड 785 जो रेंज थी उसको भी हिट किया, एंड स्टॉक ने हाई लगा दिया था तकरीबन 830 की रेंज में, ठीक है। सो नाउ अभी हम फ्रेश स्टडी को कंटिन्यू करने वाले हैं, एंड यहाँ पे अभी हमें समझ में आ रहा है ये। मैं सबसे पहले हाई पॉइंट के साथ मिलकर एक बेसिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे देख लीजिए, बेसिक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है, स्टॉक जो है उसी ट्रेंड लाइन के आसपास काम कर रहा है, ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ठीक है। प्लस साथ में और एक चीज़ पे अगर ध्यान देंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल की जो पैटर्न है उसमें काम कर रहा है। देख लीजिए डिसेंडिंग ट्रायंगल की जो पैटर्न है उसमें स्टॉक काम कर रहा है एंड निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। इसको मैंने पूरी तरह से सेट कर दिया अभी, ओके, एंड ऑलमोस्ट रेंज के जो एंड पे ना उस पर वहाँ पर पहुँच चुका है वो। अभी आगे बढ़ेंगे एंड सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो ट्रेडर्स हैं, मतलब जो ट्रेडर्स एक दिन दो दिन तीन चार दिन के लिए पोजीशन बनाते हैं, ये लेवल को तोड़ देना तो सावधान हो जाइए, पोजीशन को छोड़ दीजिए, मतलब गिरावट और बढ़ सकती है। नुकसान अगर आपको कम करना है तो 704 पे निकल जाना है आपको, ये बात होगी नीचे की तरफ की। अब नेक्स्ट, जो लोग इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रखते हैं कौन से लेवल के आसपास स्टॉक मिलता है तो स्टॉक अट्रैक्टिव हो जाएगा, एंड नंबर्स भी हमने देखे किस तरह से, मतलब पिछले चारों क्वार्टर के कमज़ोर हैं। सो स्टॉक अगर आने वाले दिनों में अगर गिर जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड, 670, 620 इस रेंज में स्टॉक मिलता है तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा स्टॉक। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, 670, 620 यहाँ पे स्टॉक मिलता है तो। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ऊपर की तरफ की रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्या बना लिया है उस पर बात करेंगे। और ये देखिए इस रेंज में जब ये लाइन के साथ स्टॉक गिरते जा रहा था तो स्टॉक ने ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना लिया है, वो कौन सा, वो ये 740.75, एक नया रेजिस्टेंस बना लिया स्टॉक ने 740.75, एंड ये इस रेंज की अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। ये जो दिन था 5 जुलाई 740.75, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेसिक लाइन मैंने कर दी है ड्रॉ, और इसको मैं अभी अपडेट कर देता हूँ 40.75। इसकी क्लोजिंग हमें चाहिए, इसके ऊपर स्टॉक का बंद होना अनिवार्य, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एंड इसके ऊपर जब स्टॉक बंद करेगा, इसके ऊपर स्टॉक बंद करेगा तो किस रेंज में स्टॉक जा सकता है, कहाँ पे स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले इस बार जाएगा स्टॉक 775 एंड 810, यहाँ पे कई स्टॉक आपको घूमता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में, बट शर्त ये है 740.75 740.75 इसके ऊपर क्लोज होना स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, दो बढ़िया स्मॉल कैप फार्मा कंपनियों के बारे में बात की, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में जो है शिल्पा मेडिकेयर, आरती ड्रग्स, हमने चेक कर लिया है फंडामेंटली कंपनियां कैसी है एंड पूरी तरह से देखने मिल रहा है कर्ज में किस तरह से काम चल रहा है, एसेट्स में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है। सो फंडामेंटल्स A to Z चेक कर लिए हैं, टेक्निकली भी हमने चेक कर लिया है, एंड आरती ड्रग्स की बात करें तो एग्जैक्टली नैरो रेंज के एंड में जा रहा है। सो पोजिशन है तो सावधान रहिए, मतलब आने वाले दिनों में एक्शन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख सकता है। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, हमारे YouTube चैनल पे जो भी आपको चीज़ देखने मिल रही है या फिर जो अकाउंट ओपनिंग की भी मैंने बात की वो बिल्कुल ही फ्री है, आपको एक पैसा भी आपको पे नहीं करना है। अगर हमारे चैनल के नाम पर आपसे कोई पैसे मांगता है तो आपको हो जाना है सावधान एंड आपको उनसे रहना है दूर, ओके, बिकॉज हमारे चैनल पे जो भी मतलब सब कुछ मिल रहा है या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू आवर चैनल हमेशा फ्री ही रहेगा, पहले भी फ्री था अभी भी फ्री ही रहेगा। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ना ही आज तक किसी से पैसे लिए हैं ना ही आने वाले समय में किसी से पैसे लेंगे, ओके। एंड ये वीडियो के माध्यम से आपके सामने जो भी इन्फॉर्मेशन पेश की है, आपको वो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, प्लस वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है आपके काम आने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।